भजन संहिता अध्याय 96 भजन संहिता अध्याय 96 यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन दिन उसके किए हुए उद्धार का सुसमाचार सुनाते रहो, अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और स्तुति के अति योग्य परमेश्वर है। वह तो सब देवताओं से अति भय योग्य है, क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्ति ही है, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। उसके चारों ओर विभव और ऐश्वर्य है, उसके पवित्र स्थान में सामर्थ्य और शोभा है। हे देश देश के कुलों, यहोवा का गुणवादन करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को मानो, यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो, जाति जाति में कहो कि यहोवा राजा हुआ है, और जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं। वह देश देश के लोगों का न्याय सीधाई से करेगा। आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो, समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठे, मैदान और जो कुछ उसमें है वह प्रफुल्लित हो। उसी समय वन के सारे वृक्ष जय जयकार करेंगे। यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह आने वाला है, वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा।